वेलकम एट मोंक एंड परमाणु जुलाई 3 वकैब सेशन। और आज का सबसे पहला वर्ड है वो है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ए ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, यानी कि बहुत ही लाभदायक चीज़। ही हैज़ ए लुक्रेटिव कैरियर एज ए एक्टर, यानी कि उसका बहुत ही लाभ देने वाला करियर होगा उसका एक्टर के रूप में। तो लुक्रेटिव यानी कि हैंडसम या फिर वोलसम या फिर लाभदायक। मेंडेसियस होता है नोट टेलिंग द ट्रूथ, लाइंग, स्पूरियस, नकली, झूठा और सच ना बताना, घुमा फिरा के बात करना। दे हैव ए मेंडेसियस एजेंडा, यानी कि उनका कुछ झूठा या नकली या कुछ और गंभीर मतलब रखने वाला एजेंडा था जो कि गलत था। थर्ड जो वर्ड है वो है हैरेंग। हैरेंग होता है लेंथी एंड एंग्री स्पीच, यानी कि उग्र भाषण देना। दे वर सब्जेक्टेड टू ए 10 मिनट हैरेंग ऑफ ऑफिसर, तो उनको ऑफिसर का 10 मिनट लंबा भाषण सुनना पड़ा जो कि उग्र था। फोर्थ जो वर्ड है वो है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट और ईमानदार। ही इज़ एन अपराइट मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटी का एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है। फिफ्थ जो वर्ड है वो है ब्यूगाइल। ब्यूगाइल होता है मिसलीड, डिसीट, चीट, यानी कि ठगना, धोखा देना। ही ब्यूगाइल द वोटर्स विद हिज गुड लुक्स, उसने अपनी गुड लुक्स के चलते लोगों को, वोटर्स को धोखा दे दिया। तो ब्यूगाइल वर्ड यहाँ पे मिसलीड, डिसीट एंड चीट। सिक्स जो वर्ड है वो है एग्जोस्पेरेट। एग्जोस्पेरेट होता है इरीटेट और फ्रस्ट्रेट इंटेंसली, यानी कि जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाना, उसको बोलेंगे हम एग्जोस्पेरेट। एग्जोस्पेरेट काफ़ी अच्छा वर्ड है। दिस फ्यूटाइल प्रोसेस एग्जोस्पेरेट प्रिजन ऑफिसर्स, यानी कि उनकी जो व्यर्थ की कोशिश है प्रिजनर्स की भागना, वो ऑफिसर्स को गुस्सा दिलाती है कुछ गलत या फिर उल्टा या फिर कुछ हानिकारक कदम उठाने के लिए। सेवन्थ जो वर्ड है वो है हम्बग। हम्बग होता है डिसेप्टिव, डिसीव, ट्रिक, यानी कि धोखा देना, धोखेबाज होना या फिर धोखा, उसको हम बोलते हैं हम्बग। पुअर डेव इज ईजिली हम्बग्ड, यानी कि जो पुअर गरीब आदमी है जो डेव, उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। एट्थ जो वर्ड है वो स्मैटरिंग। स्मैटरिंग होता है ए स्लाइट सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज और ए सब्जेक्ट या फिर मोडिकम, यानी कि अल्प ज्ञान, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज की कम से बहुत ही कम मात्रा में ज्ञान होना, उसको मोडिकम भी बोल सकते हैं, उसको अल्प ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो ही हैज़ ओनली स्मैटरिंग ऑफ फिजिक्स, यानी कि उसको फिजिक्स की बहुत ही कम नॉलेज है, तो उसको हम बोलेंगे स्मैटरिंग।